Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के महाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। मोहल्ली कोरोना वायरस के वार में तेजी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 64 अफराद की जिंदगियों का खात्मा हो गया, जबकि एक ही दिन में 1361 नए मरीजों की तशखीस हुई है। पाक भारत का गैर मुतवक्की सूरत हाल या गलत फहमी को दूर करने के लिए हॉटलाइन राबते और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग का मौजूदा तरीके का इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। ISPR का कहना है कि DGs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। 1 मार्च से मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, अल्लाह के फजल करम से हम नॉर्मल हालात की जानिब बढ़ रहे हैं। PTI हुकूमत चुनतखिब है, आईनी मुद्दत का सवाल ही नहीं पैदा होता, मरियम नवाज कहती हैं, जबकि बिलावल भुट्टो बोले, इस वक्त अदम एतमाद का खेल नहीं खेल रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के एमर्जिंग क्रिकेटर मोहम्मद वसीम जूनियर का HBL PSL 6 में नुमाया कारकर्दगी का अजम, कहते हैं आबाई इलाके वजीरिस्तान में खेल के मौके ना होने के बराबर हैं। Greenish hand sanitizer, Ala Cream quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस से 64 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,772 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,75,941 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,361 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,69,474, सिंध में 2,57,089, खैबर पख्तूनख्वा में 71,490, बलूचिस्तान में 19,010, गिलगित बल्तिस्तान में 4,955, इस्लामाबाद में 43,901, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,022 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 88,31,892 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,906 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,39,888 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,590 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 64 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,772 हो गई। पंजाब में 5,308, सिंध में 4,315, खैबर पख्तूनख्वा में 2,058, इस्लामाबाद में 494, बलूचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 296 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान और भारतीय फौज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन पर राबते के दौरान बुनियादी मामलात और खदशात हल करने पर इत्तेफाक किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाक फौज के शोभा तालुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राबता हुआ है, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। मुश्तरका मफादात के हुसूल और खित्ते में पायदार अमन के क्याम के लिए दोनों अतराफ से अमन की तबाही और तशद्दुद को फरोग देने वाले बुनियादी मामलात और खदशात को हल करने पर इत्तेफाक किया। फरीकैन ने बाहमी मुहायदों, समझौतों और LOC समेत दीगर सेक्टर्स पर जंगबंदी पर 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात से सख्ती से अमल दरामद पर इत्तेफाक किया। हॉटलाइन गुफ्तगू के दौरान इस बात का भी आदा किया गया कि किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल या गलत फहमी को दूर करने के लिए हॉटलाइन राबते और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग का मौजूदा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 मार्च से हफ्ते में 5 रोज खुल जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने 1 मार्च से मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से हम मामूल के हालात की जानिब जा रहे हैं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट में शफकत महमूद का कहना था कि मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 मार्च से हफ्ते में 5 रोज के लिए खुल जाएंगे। कोरोना की वजह से बड़े शहरों में स्कूलों पर क्लासेस को छोटे ग्रोहों में तकसीम करके पढ़ाने की पाबंदी का इत्तलाक 28 फरवरी से खत्म हो रहा है। शफकत महमूद का कहना था कि कुछ बड़े शहरों के स्कूल 28 फरवरी तक मरहलावार क्लासेस देंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस फरवरी से मुल्क में कोरोना के बाइस तालीमी निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान कौम का मुजरिम है। बिलावल भुट्टो बोले, जबरदस्ती लोगों को हुकूमत के साथ बांधा गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की। जाती उम्रा में दोनों रहनुमाओं के माबैन होने वाली मुलाकात में PDM की आइंदा हिकमत अमली के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बाद अज़ां ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो के हमरा मरियम नवाज का कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी को जमहूरियत पसंद लोग चाहते हैं। आवाम पर रोज महंगाई की सूरत में क़यामत टूटती है। गैर मुंतखब हुकूमत ने 3 साल में आवाम की जिंदगी तंग कर दी है। हुकूमत की सपोर्ट खत्म होती नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर सूबे में बगावत हो रही है। रोज महंगाई की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में, मिस गवर्नेंस की सूरत में उनके ऊपर जो रोज क़यामत टूटती है वो आवाम का मुजरिम है। और मैं ये भी समझती हूँ कि इस वक्त उनकी जो एक सपोर्ट है वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उनकी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत हर सूबे में हो चुकी है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमारा इस वक्त सेनेट इलेक्शन पर फोकस है। मुल्क के हर कोने से ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को मुस्तरद किया है। ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन में साबित हो गया कि आवाम PDM के साथ है। अब यूसुफ रजा गिलानी की जीत से साबित होगा कि पार्लियामेंट भी PDM के साथ है, जबकि हफीज शेख से गिलानी का मुकाबला हमारा इम्तिहान है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये दो फैसले कि हम हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करेंगे, बाय इलेक्शंस में भी चैलेंज करेंगे और सेनेट में भी मिलकर चैलेंज करेंगे, ये फैसले ने अब पूरा सियासी सिचुएशन तब्दील कर दिया है। हुकूमत का घबराहट, बखलात, सब कुछ पूरा पाकिस्तान के सामने है। वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ऑलराउंड सलाहियतों के मालिक इस्लामाबाद यूनाइटेड के एमर्जिंग क्रिकेटर मोहम्मद वसीम जूनियर ने इस अज़म का इजहार किया कि वो HBL पाकिस्तान सुपर लीग 6 में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करना चाहते हैं। उनका असल हदफ पाकिस्तान का बेहतरीन ऑलराउंडर बनना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर ने HBL PSL 6 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी से कबल बहुत मेहनत की। उन्होंने 2011 में टैप बॉल क्रिकेट का आगाज किया और फिर हार्ड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए पेशावर मुंतकिल हो गए। मोहम्मद वसीम का कहना है कि शुरू में तो उनके वालिद भी उनके क्रिकेट खेलने पर खुश नहीं थे, मगर फिर चचा की रहनुमाई और करीबी दोस्तों के तावुन ने उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद की। नौजवान ऑलराउंडर जनूबी अफ्रीका में खेले गए ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज हासिल कर चुके हैं।
گزشتہ سال ایونٹ میں شرکت ایک یادگار تجربہ تھا اور وہ ٹورنامنٹ میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی نمائندگی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ گزشتہ سال کھیلے گئے اس ایونٹ میں محمد وسیم جونیئر نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف بہترین کارکردگی پیش کرتے ہوئے 5 وکٹس حاصل کی تھیں۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2020 کے سیمی فائنل میں بھارت سے شکست پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے نوجوان کرکٹر نے کہا کہ اس میچ میں ناکامی نے سب کو افسردہ کر دیا تھا، مگر اب وقت آگے بڑھ چکا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے اسکواڈ میں شمولیت پر مسرور نوجوان آل راؤنڈر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ ایک بہترین فرینچائز ہے کہ جہاں ہمیں حسن علی اور کپتان شاداب خان جیسے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے تجربہ کار کھلاڑیوں کا ساتھ میسر ہے اور یہاں سب کھلاڑی ایک دوسرے کی مکمل رہنمائی کرتے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔ سبسکرائب ٹیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا نوٹیفیکیشن بٹن۔